हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे बजिज पैरोट के सीड्स के बारे में कि वो कितने तरह के सीड जो है वो खा सकते हैं, फिंच वगैरह और बजिज बर्ड के बारे में बताऊंगा। गाइस, ये देखिए फिंच है और इसका जो मेल है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। और ये देखिए गाइस, ये है बजिज, ये फीमेल बजिज है और मेल बजिज जो है ठंड में मर चुका था, उसका मैंने वीडियो बनाया था गाइस, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो देखिए ये बजिज पैरोट है और ये फिंच है और मैं आज बजिज पैरोट और फिंच के सीड के बारे में बताऊंगा गाइस। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, ये दरअसल कैनरी सीड है गाइस, देखिए एकदम सामने से आप देख सकते हैं, ये है कैनरी सीड। ये दरअसल ये जो फॉक्सटेल मिलेट होते हैं, बजिज पैरोट जो ज़्यादातर फॉक्सटेल मिलेट खाते हैं तो वो 100 रुपये केजी तक आ जाता है, लेकिन ये जो है आपको कैनरी सीड बहुत महंगा पड़ेगा, ये करीब करीब 400 रुपये केजी पड़ेगा आपको, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसी कारण से आप इसे डेली ना दें, कभी कभी इसको सप्ताह में 1 या 2 दिन आप कैनरी सीड दे सकते हैं, जिससे इसके सारे न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बजिज पैरोट और फिंच के अगर पूरे कम्प्लीट सीड के बारे में बात करें तो पहला सीड है कैनरी सीड। तो देखिए गाइस, कैनरी सीड जो होता है, आप अगर अपने फिंच या बजिज पैरोट को देंगे तो कैनरी सीड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, अच्छा खासा फाइबर मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, फैट मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे और फिर उसके बाद मिनरल मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे, फास्फोरस मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे जिसमें से एमिनो एसिड मिलेंगे। तो इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं बजिज पैरोट और फिंच को के हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ज़्यादातर ये लोग फॉक्सटेल मिलेट खाते हैं, आप कैनरी सीड को दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर बजिज पैरोट खा लेते तो अच्छा है, फिंच खा लेते तो अच्छा है, अगर नहीं खाते तो आप उसे सोक करके दें। देखिए गाइस, मैंने सोक करके दिया है, तो सोक करके दे सकते हैं आप, ग्राइंड करके दे सकते हैं, बहुत तरीका है, सोक करने के बाद आप इसे मैश करके दे सकते हैं, तो इस तरह से आपके बजिज पैरोट और फिंच खाने लगेंगे। सेकेंड जो सीड के बारे में बात करूँगा गाइस वो है वाइट सीसमी। वाइट सीसमी जो होता है, आप जैसे कि वाइट तिल, जैसे आप तिलकुट खाए हैं तो वही तिल आप दे सकते हैं, तो उसमें से आपको प्रोटीन बजिज पैरोट का अच्छे खासे मिल जाएंगे, उसमें हेल्दी फैट होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, फाइबर भी अच्छे खासे होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे भर भर के न्यूट्रिशन होते हैं गाइस। तो आप अपने फिंच को और बजिज पैरोट को दे सकते हैं। फिर अगर हम दूसरे सीड की बात करें तो आप इसे फिंगर मिलेट दे सकते हैं, जिसे हिंदी में रागी कहते हैं, तो आप रागी दे सकते हैं गाइस। तो रागी में अब देंगे तो उसमें से आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन जिसके अंदर एमिनो एसिड होगा, डाइट्री फाइबर होता है जो पेट के लिए अच्छा होता है, हेल्प इन डाइजेस्टिव एंड वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है गाइस। फिर आप इसे जो फिंगर मिलेट देंगे तो इसके बॉडी में विटामिन्स का कमी दूर हो जाएगा, विटामिन बी मिलता है, फिर विटामिन B6 मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है, मिनरल है, मिनरल में जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, पोटासियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, फैट्स में अनसेचुरेटेड फैट है, फिर इतने अच्छे खासे मतलब न्यूट्रिशन मिल जाता है अगर आप फिंगर मिलेट देंगे। तो फिंगर मिलेट आप डायरेक्ट नहीं दे सकते गाइस, फिंगर मिलेट देने के लिए आपको रात भर सॉक करना होगा, ग्राइंड करना होगा, इस तरह से दे सकते हैं फिंगर मिलेट। कभी कभी जैसे फिंगर रागी का डोसा भी बनता है गाइस, जैसे हम लोग खाते हैं रागी का डोसा, तो आप वो फिंगर मिलेट दे सकते हैं। फिर आप उसे दे सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सीड भी दे सकते हैं गाइस, फॉक्सटेल मिलेट दे सकते हैं, वाइट सिसमी दे सकते हैं, फिर उसके बाद अलसी का बीज आप दे सकते हैं गाइज, अलसी का जो बीज होता है वो भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, ये सब बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, आप अलसी का बीज दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अलग से दे सकते हैं जैसे कि मूंग दाल, चना दाल, काबली चना, ये रात को सॉक्ट कर ले, जैसे ही सुबह हो उसे बॉईल कर ले और फिर उसको मैश करके दे दें, तो ये भी बजिज पैरोट के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है गाइस। अलसी का बीज आप दे सकते हैं, वाइट सीसमी दे सकते हैं, फिर उसके बाद कैनरी सीड दे सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट तो देते ही हैं, फिंगर मिलेट आप दे सकते हैं, और एक और आप काम कर सकते हैं गाइस, आप इसे गेहूँ दे सकते हैं जिसे गंदुम कहते हैं, तो आप गेहूँ रात को
उसको पानी में सोक कर दें, सुबह उसको बॉईल कर दें, मैश करके दे दें, तो बजिस पैरट उससे ब्रीड हीट में भी आते हैं तो अच्छे खासे ब्रीड वो करेगा, अगर आप इस तरह से गेहूं देते हैं। और फिर ये और किसी दूसरे वीडियो में गाइस मैं बजिस पैरट और फिंच के सॉफ्ट फूड के बारे में और ये वेजिटेबल और फ्रूट के बारे में बात करूँगा गाइस, इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो में मेनली मैं सारे सीड के बारे में बात किए हैं, तो किसी दूसरे वीडियो में इसके फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बात करूँगा गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही, किसी दूसरे वीडियो में एक नया अपडेट लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय गाइज़।